ट्वेल्थ कॉमर्स गुजराती मीडियम अकाउंट्स पार्ट टू चैप्टर वन शेरी मूड़ी हिस्सा तो सौ पहला प्रस्तावना जुए एकांकी वेपारी भागीदारी पेढ़ी की मर्यादाओं ने कारण कंपनी स्वरूप अस्तित्व में आ कंपनी ने मूड़ी रोकाण की जरूरत पड़े तेथी कंपनी पोतानी मूड़ी अनेक व्यक्तिओ पास थी एकत्र करे कंपनी चलाव एक व्यक्ति काम नहीं पण एमां घणी बधी मूड़ी रोकाणनी तो जरूर पड़े एटले एक व्यक्ति थी नहीं के थोड़ा व्यक्ति थी नहीं घणा बधा व्यक्तिओनो समूह भेगो करीने एमना पासे थी मूड़ी ले छे। हवे आपणे जोईए शेर एटले शुं। शेर एटले कंपनीनी कुल मूड़ीने शेरी मूड़ी कहेवाय जेने फेरबदली करी शकाय तेवा नाना नाना भागमां विभाजित करवामां आवे तो ते प्रत्येक भागने शेर कहेवाय। आ शेरनी व्याख्या थई। शेर खरीदवा माटे फॉर्म भरवुं पड़े अने एमना माटे दलालो होय शेर खरीदवा माटे। हवे जो कंपनी ने नफो के खोट थाय तो शेरधारकों ने पण नफो के खोट थाय। शेरधारक एटले कोण? जे शेर खरीदे एने शेरधारकों का तो शेर होल्डर्स कहेवाय। कोई व्यक्ति एक पण शेर खरीदे तो पण ए कंपनीनो मालिक कहेवाय। कंपनी ने पोतानुं अस्तित्व कायदा द्वारा मळेल छे। कंपनी की स्थापना संचालन अने विसर्जन पण कायदा प्रमाणे थाय छे। हवे आ सौथी अगत्यनो एमसीक्यू का तो शॉर्ट क्वेश्चन में आवे। भागीदारी कायदो 1932 में अस्तित्व में आयो तो कंपनी धारो 1956 में अने सुधारेल कंपनी धारो 2013 में। हवे सेबी एटले शुं? ए शेर बजारनुं नियंत्रण करती एक संस्था छे जे सरकार द्वारा चलावामां आवे छे। आ चेप्टरना बधा दाखलाओमां आपणे आम नोंधो ज लखवानी छे एटले शेर मळे शेर खरीदे पछी शेरने हप्ताथी ले शेरने वटावथी ले शेरने प्रीमियमथी ले तो एना माटे अमुक आम नोंधो छे जे तैयार करवी ज पड़शे। तो सौथी पहेली शेर अरजी साथे नाणा मळे त्यारे तो बैंक खाते उधार ते शेर अरजी खाते जमा। पछी बीजू बहार पाडेल शेर करता वधारे शेरनी अरजी मळे अने वधारानी रकम परत करवामां आवे तो शेर अरजी खाते उधार ते बैंक खाते जमा। पछी त्रीजू शेर मंजूरीनी रकम शेर मूड़ी खाते लई जवामां आवे तो शेर अरजी खाते उधार ते शेर मूड़ी खाते जमा। शेर मंजूरीनी रकम मंगावामां आवे त्यारे शेर मंजूरी खाते उधार ते शेर मूड़ी खाते जमा। पांचमू शेर मंजूरीनी रकम मळे त्यारे बैंक खाते उधार ते शेर मंजूरी खाते। शेर प्रथम हप्तानी रकम मळे त्यारे मंगावामां आवे त्यारे शेर प्रथम हप्ता खाते उधार ते शेर मंजूरी खाते जमा। सातमू शेर प्रथम हप्तानी रकम मळे त्यारे बैंक खाते उधार ते शेर प्रथम हप्ता खाते। शेर आखरी हप्तानी रकम मंगावामां आवे त्यारे शेर आखरी हप्ता खाते उधार ते शेर मूड़ी खाते जमा। नवमू शेर आखरी हप्तानी रकम मळे त्यारे बैंक खाते उधार ते शेर आखरी हप्ता खाते जमा। हवे अमे एक पेटर्न नोटिस करी के अरजी मळे पछी अरजी करता वधारे शेर कारण के घणी वार कंपनी छे 50,000 शेर पार पाड़े पण 55,000 नी अरजी मळे तो 5,000 पाछा आपवा पड़े। जेटला शेर बहार पाड़े होय एटला ज कंपनी आपी शके। पछी शेर मंगाया पछी एनी रकम आई पछी प्रथम हप्तो आयो आखरी हप्तो अने आखरी हप्तानी वच्चे जो क्यारे बीजो के त्रीजो हप्तो होय तो ए पण लखवानो। हवे आपणे जोईए उदाहरण नंबर 1 शैलजा कंपनी लिमिटेडे रुपया 10 नो 1 एवा 2,40,000 इक्विटी शेर बहार पड़ा जेना पर रकम नीचे मुजब मंगावामां आवी। अर्जी वक्त शेर दीठ रुपया 3 मंजूरी वक्त शेर दीठ रुपया 3 प्रथम हप्ता वक्त शेर दीठ रुपया 2 छेल्ला हप्ता वक्त शेर दीठ रुपया 2 मंजूरी वक्त तथा हप्ता वक्त मंगावामां आवेल रकमों समयसर पूरेपूरी मिली गई थी। बधा ज शेर की अरजी मिली थी। कंपनी ने चोपड़े उपरना व्यवहारों की आमनोंद पसार करो। હવે આપણે જોયું ઉદાહરણ નંબર 1 તેની રકમ 2,40,000 ઇક્વિટી શેર જેની મૂળ કિંમત રૂપિયા 10 અરજી વખતે 3 મંજૂરી વખતે 3 હપ્તામાં પહેલો હપ્તો 2 રૂપિયા અને છેલ્લો હપ્તો 2 રૂપિયા। હવે એમાં આપણે સૌથી પહેલાં આમનોંદના જેમ ખાના બનાવીએ છીએ એમ બનાવી દેવાના પછી એને ટાઇટલ આપવાનું જેમ આપણે આમનોંદને આપીએ શેલજા કંપની લિમિટેડ ના ચોપડે આમ નોંધ। હવે આમાં દરેકની બે બે એન્ટ્રીસ આવશે એટલે સૌથી પહેલા અરજી અરજી છે એટલે આપણે સૌથી પહેલા શું લખવાનું તારીખમાં બેંક ખાતે ઉધાર તે ઇક્વિટી શેર અરજી ખાતે કેટલા શેર છે 2,40,000 અરજી ખાતે કેટલા 3 એટલે અહીંયા શું આવશે 7,20,000
ઓકે, હવે એની બીજી અનનોન. તો ઇક્વિટી શેર, અરજી ખાતે ઉધાર, તે ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે કેટલી? 7,20,000. હવે ત્રીજો, મંજૂરી. મંજૂરી વખતે 3, એટલે ઇક્વિટી શેર મંજૂરી ખાતે ઉધાર તે ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે. મંજૂરી કેટલી? 3 રૂપિયા. કેટલા શેર? 2,40,000. એટલે અહીંયા કેટલા આવશે? 7,20,000. હવે ચોથી એમ નોંધ આની નાની, કે બેંક ખાતે ઉધાર તે ઇક્વિટી શેર મંજૂરી ખાતે. બરાબર. પાંચમી આમ નોંધ, ઇક્વિટી શેર પ્રથમ હપ્તા ખાતે ઉધાર તે ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે. 4,80,000. કારણ કે 2 રૂપિયા હતા એટલે. પછી છઠ્ઠું, એની નેની જ ફરીથી, બેંક ખાતે ઉધાર તે ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે. 7મી, આખરી હપ્તો, એટલે કે ઇક્વિટી શેર આખરી હપ્તા ખાતે ઉધાર તે ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે. અને બેંક ખાતે ઉધાર તે ઇક્વિટી શેર છેલ્લા હપ્તા ખાતે. 4,80,000.